टावर 3 हवेली साल में 80% फोर्ट डैम है। सुनने के लिए तैयार, देखने के लिए बहुत खंडा है। जो आप मंदिर वगैरह जो अपन देखेंगे 8वीं शताब्दी के अंदर, आपका स्वागत है। मेरा नाम यशवंत सिंह तंवर है। जिस फोर्ट पर आप आए हो एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है। इस फोर्ट की लंबाई 13 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर, 700 गज पूरा फोर्ट बचा हुआ है। जो अपन जो सिटी क्रॉस करके आए ना, किले का बैक साइड हुआ करता था उस टाइम पे, खेती की जमीन हुआ करती थी। जब हम जो क्रॉस करके आए, महाराणा कुंभा ने 14वीं सेंचुरी के बाद में बनाया है। इस फोर्ट का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य करवाता है। 8वीं शताब्दी के अंदर जो अंदर मान मौर्य आते हैं बप्पा रावल गुजरात, एक बढ़िया 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 रावण ने बनाया। ये जो सिटी देख रहा हो इसमें फैक्ट्री देख लो, बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, लापार्ट बिरला सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान बड़ी माइंस, सोल चित्तौड़गढ़ के अंदर जी। जो फ्रंट साइड जो हुआ करता था पूरी दिशा में, जो अपन पूरा राउंड करके चलेंगे बैक साइड में सूरज कोल के। हाँ, ये गेट जो है ना, ये अपन उल्टा चल रहे हैं, वहाँ मेन गेट वहाँ है ना, मेन गेट पहले उस टाइम का वो हुआ करता था, और जो बैटल फील्ड युद्ध का मैदान उस साइड में, आने जाने का रास्ता भी वो साइड में था, ये बैक साइड हुआ करता था उस टाइम का बैक साइड। अब फोटो वगैरह लीजिए, फिर अपन आगे आओ। अपन चलो ओ मेरा नगरी रहो अब मंदिर जी। इस फोर्ट का सबसे बिगेस्ट टेम्पल है धूम शाम टेम्पल। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर गुप्ता रावण ने किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है, तब विष्णु भगवान का टेम्पल हुआ करता था। विष्णु भगवान का दूसरा वहाँ अवतार होता ना, बड़ा अवतार, उनका टेम्पल हुआ करता था। अच्छा, तो अपने डैमेज से अपने मंदिर के अंदर डैमेज मिलती है 5 दिशा। महाराणा कुंभा 14वीं सेंचुरी के बाद में इसको वापस रिमोट करवाते हैं। 8% जो मूर्ति लगी हुई है राधा कृष्ण भगवान की, इसका जो डिजाइन देखेंगे स्ट्रक्चर ऊपर का जी, यहाँ पे गोवा टेम्पल देख रहे अपने, उसका डिजाइन दे रखा है। उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल देख रहा हूँ, उसका डिजाइन दे रखा है। आगे से जो स्ट्रक्चर देखेंगे जैन स्ट्रक्चर देखा है, बाहर की जितनी मूर्ति वगैरह देखो सारे। अच्छा, यहाँ पर बहुत तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, विष्णु भगवान के जो वाहन होते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर। टेम्पल भी देख लो, मीराबाई का टेम्पल, मीराबाई का नाम सुने होगा। हम मीराबाई की नगरी से आए हैं, ज़्यादा बता नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मीराबाई को इसी टेंपल के अंदर दो बार मारने की कोशिश की थी जी, कुछ लोग पहले पवन मारने की कोशिश करते हैं, रॉयल फैमिली को साधु संतों के साथ में उतना बैठना पसंद है। मतलब नहीं क्या, मतलब मोटा घराना मीरा भाई को सब कुछ मानते अपने कृष्ण भगवान भक्ति वगैरह नहीं रहते थे। 5 टाइम फूलों की टोकरी के अंदर सांप देते हैं जो माला बन जाती है, 2nd टाइम खीर के अंदर पॉइजन मिला के देते हैं, कृष्ण भगवान को ग्रहण कराते हैं, फिर खुद ग्रहण कर जो अमृत बनते हैं। फिर मीरा भाई परेशान होकर 4 धाम की यात्रा करते हुए द्वारिका देश की जो मूर्ति होती है उसमें सुंदर होती है। 1 पद्म जो भी इसमें मूर्ति लगी हुई है, 2001 के अंदर मार्बल की मूर्ति लगाई हुई है बिरला समेत कृष्ण भगवान की और मीरा भाई, इसमें 10 चरण पादुका बनी हुई है। मीरा भाई के जो गुरु देवते हैं रविराज जी महाराज, उनकी चरण पादुका बनी हुई है। अब जाना है आपको दोनों मंदिर में दर्शन करने, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसको विजय का उपलक्ष्य मनाया गया है। 2 बड़ी सेना मालवा और गुजरात, मुर्मूषा खिलजी एमएसया को महाराणा कुंभा उस टाइम के जो सैनिक थे, उन्होंने बोला राजा आपकी इतनी बड़ी जीत हुई तो आने वाली पीढ़ी को याद है, ऐसा कुछ निर्माण मनाया, उसको विजय का उपलक्ष्य मनाया। 122 फीट इसकी हाइट है, इसमें सीढ़िया है, 33 कोटी भगवान विराजमान अंदर और बाहर। अपने हिंदू देवता के अंदर 9 गर्भ होते हैं, इसलिए उसको 9 मंजिला बनाया गया। इसका जो आकार देखिए, शिव जी भगवान का डब्रू देखा होगा अपना, वैसा आकार दे रखा है, नेरो प्रोड नेरो। 10 साल इसको मंदिर में लगे थे, 90 लाख की मुद्राएं हैं, सोने चांदी के सिक्के चलते ना उस टाइम पर, 90 लाख की मुद्राएं लगी थी। नौवीं जो मंजिल है उसकी जो सीढ़ियां डैमेज हो गई, कोविड पहले अंदर जाना जाना मैं पहले जाना अलग, नौवीं जो मंजिल उसकी जो सीढ़ियां वो डैमेज हो गई, उसका आसन बंद कर, राउंड राउंड सीढ़ियां बनी हुई।
नौ मंजिला तो यो है, 122 फीट की हाइट है, 57 इसमें सीढ़ियां ऊपर नीचे ऊपर नीचे है भाई। चलो आ जाओ, सामने गार्डन दिख रहा आपको, 40 से 50 फीट डीप खड्डा हुआ करता था। पद्मावती मूवी में देखा होगा, लेडी जोहर कुंड उस टाइम का। जब ये कोर्ट गवर्नमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट खुदाई करवाती है, खुदाई के दौरान जेली वगैरह हड्डी वगैरह निकलती है, उससे पता चलता है जो भाई जो होता है 1300 दिन अलाउद्दीन जोर करती है, जिगी से बाटी करती है। आपने जोर के बारे में सुना होगा, हाँ। तीन मेजर अटैक हुए, तीन बड़े जोर हुए हैं। सेकंड जोर होता है बहादुर शाह के टाइम पे गुजरात के 1535 राणा सांगा की वाइफ कर्णावती 1000 लेडीज के साथ यही जोर करती है। और 11000 लुधियाना के जोर मतलब अपने अग्निकुंड में गोड़ दिया, जोर मतलब अग्निकुंड। थर्ड होता था अकबर के टाइम में 1567 के अंदर 7000 लेडीज के साथ में उदय सिंह जी के कमांडर थे जिम्मल और सत्ता वाइफ थी भाई जोर हुआ 16000 नियम सर में, सेकंड हुआ 13000, थर्ड हुआ 7000 नियम सर में। जैसे मैंने पूरा बताया वैसे वहाँ पर लिखा हुआ जोर इसका लिखा हुआ ना सर। आज इसके अंदर हवन को दिख रहा आपको गार्डन के अंदर में, आज भी यहाँ पे होली के 11 दिन बाद जोर मिला होता है, जितने भी राजपूत होते हैं आज माना पता कि जोहर दिवस मनाया जाता है, सारे आते हैं महाराणा प्रताप की जो वंशज है रॉयल फैमिली आज आती है। हवन कुंड दिख रहा है आपको, उसमें हवन करवाते रानी का दिख रहा है आपको, सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको वो शिव भगवान का मंदिर हुआ करता है। सामने आपको मंदिर दिख रहा है सत्य मंदिर हुआ करता है। सामने जो गेट दिख रहा है उसको स्त्री गेट भी बोला जाता है, रानियों गेट जो रानी वगैरह जोहर करने के आती है, जो मेन गेट होता है ना उत्तरी जोहर द्वारा जैसे यहाँ पे जोर स्थल हो गया है। उस टाइम पे किसी राजा की देर होती थी शमशान काट हुआ करता था, सामने जो एरिया दिख रहा है ना आपको ये शमशान काट हुआ था। इसमें इस टेम्पल का नाम समाधेश्वर टेम्पल, समाधेश्वर इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी के कहा राजा बोध एमपी के राजा बोध जिन्हें अपने काल बोध के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 1300 अलग दिन वगैरह डैमेज कर देता है अपने मंदिर वगैरह डैमेज होते हैं। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा की महाराणा मौका 1400 खेती करी और आगे सब। हाँ सब आए जो अपन चित्तौड़गढ़ सिटी क्रॉस करके आए, पहले खेती की जमीन उधर हुआ करती थी, वो किले का बैक साइड हुआ करता था, पहले फ्रंट साइड पहले इस साइड हुआ करती थी। अच्छा, और आज ये खेती की जमीन इधर हो गई है। जो पहले मेन एंट्रेंस है ना मेन गेट, वो आगे आएगा सूरज कॉल के मेन गेट। ये जो पूरी आपको जहाँ तक आपकी नजर जा रही है पूरा युद्ध का मैदान, लाल मिट्टी का मैदान हुआ करता था। ये पूरा युद्ध जहाँ पे युद्ध हुआ ना सारे सारे यहाँ पे हुए हैं। आपको पहाड़ी दिख रही है, उसको गौर से देखिए जैसे कोई इंसान सोया हुआ है, उसका फेस है, उसका पेट है, उसका घुटने है। सही है, उसका जस्ट आगे वाली पहाड़ी अरावली हिल से जो गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है मेवाड़ में, ओके ये मेवाड़ में खड़े हैं अपन। दोनों पहाड़ियों के बीच में अलग दिन की जो प्लानिंग की थी ना तंबू लगाया मूवी के अंदर देखा होगा, ये उसको मिला कोई। अच्छा, बाकी ये जो फोर लाइन जा रही कोटा फोर लाइन है पूरी जा रही है ना। अच्छा, पूरे अरावली हिल्स है, बाकी पूरी अरावली हिल्स, पूरी अरावली हिल्स से गुजरात से लेके दिल्ली तक जा रही है पर्वतमाला जी। बाकी डैमेज जो बाउंड्री वॉल दिख रही है ये प्रॉपर पहले उस टाइम प्रॉपर हुआ करती थी, ये पूरी बहादुर शाह जब आया था तोप से उड़ाई हुई है पूरी बाउंड्री वॉल। इसका मेन जो गेट है वो आगे की साइड में, अब फोटो वगैरह लेना है फोटो वगैरह लेते हैं फिर आगे चलेंगे अपन। फोटो ये पहले ये हुआ करता था मेन जो गेट हुआ करता था, ये गेट हुआ सूरज कॉल गेट बोलते हैं। जब सूर्य उदय होता है गेट में बोला जाता है, जब रानी गेट अलाउद्दीन जब आया तब 5 गेट यहाँ के जैसे ओल्ड गेट हुआ उनके ऊपर छोड़ा है। अच्छा, उसकी 122 फीट हाइट थी, इसके 75 फीट हाइट है, 75 फीट हाइट है।
वो 9 मंजिला था या 6 मंजिला है हाँ। इसकी मूर्तियां वगैरह देखो डैमेज कर रखी है जिक्र ला याद बना दो जितने तुझे करता जिक्र ला बल्ले का जोगा करता हूं हां ले करता बदल लिख पड़ी है मुंह बच्चा कर दिया तो हम पे अच्छा पहाड़ दिखाया ना हां हां और इसके ऊपर ही चलिए।